स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे हम लोग ग्रामर। जो ग्रामर है इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे नाउन और प्रोनाउन, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब माने होता है क्रिया, जो हिंदी में हम इसको क्रिया कहते हैं। तो क्रिया उसे हम कहते हैं, अगर आपको हम बताना चाहेंगे कि हिंदी में जो है क्रिया उसको बोलते हैं जिससे कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य का जो है वह सही तरह से अर्थ निकल जाता है। अगर उनके बिना ही कोई भी कार्य हम सेंटेंस के अंदर हम नहीं कर पाते हैं तो उसी को हम समझते हैं कि वह वर्ब कहलाता है। बगैर वर्ब का जो है हम कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य को हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बताना चाहेंगे कि रमेश बाज़ार जा रहा है, तो रमेश का मेन काम है बाज़ार जाना। जाना जो होता है उसका वर्ब हो गया। जैसे हम लिख देते हैं कि रमेश बाज़ार जा रहा है, तो उसमें से जा रहा को हम हटा देंगे तो हमको ऐसा मालूम होगा कि वो सेंटेंस जो है पूर्ण नहीं है। तो हम कहेंगे कि रमेश बाजार है। अब इसका सेंटेंस बदल जा रहा है, देखेंगे हम यहाँ पे कि रमेश बाजार जा रहा है, जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है कहने का मतलब है कि अगर हम यही जो जो चीज़ कहलाता है यही इसी को हम वर्ब बोलते हैं, VERB इसी को हम वर्ब बोलेंगे। तो अब इस तरह से जो है रमेश को संकेत दे रहा है कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ। अगर इसी में से जो है जा को हटा दिया जाए तो हो जाएगा कि रमेश बाज़ार रहा है, बाज़ार रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ये इनकम्प्लीट है। तो इस तरह से जो है हमारा सेंटेंस जो है ये गलत हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसका इंग्लिश में डिफिनेशन अगर देखते हैं तो यहाँ बात होगा कि द वर्ड्स दैट द डोनेट, कह रहा है कि वर्ड्स माने शब्द होते हैं, जो शब्द क्या करते हैं डोनेट करते हैं, यानी किसके तरफ, नाउन और प्रोनाउन के तरफ जो है डोनेट करके उसका अर्थ निकालते हैं। और सब करें कि सब एक्शन, और वह एक्शन दिखाते हैं यानी खाना पीना हंसना करने का कोई भी बताते हैं। उसके बाद पोजीशन बताते हैं कि किस पोजीशन में, पोजीशन किस पोजीशन में है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके बाद जो है कार्ड करके उसको ही हम वर्ब कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि जो नाउन और प्रोनाउन के लिए वाक्य को शुद्ध करता है, जिससे किसी किसी सेंटेंस का मेन जो है क्रिया रखने पर, वर्ब रखने पर उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। तो यहीं पे वही बात कहा है कि द वर्ड्स दैट द डोनेट, कह रहा है डोनेट टू सम एक्शन आर द पोजिशन आर द कार्ड, कह रहा है कि जो शब्द यानी जो नाउन और प्रोनाउन के एक्शन को और उसके पोजिशन को बताता है वही जो है वर्ब कहलाता है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया है कि एग्जाम्पल में आई हैव लर्न्ड माई लेसन, कह रहा आगे कि अब देखेंगे यहाँ पे एक और बात बता दें, जब भी इससे पहले हम प्रोनाउन जब पढ़ाए थे तो यहाँ आई आया था, तो आई के साथ हमेशा हम माई का प्रयोग करते हैं, इसलिए कि जो भी प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन नाउन के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, जिस वर्ड का हम प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर जो है अगर आई है तो यहाँ माई लगा देंगे, बी रहेगा तो यहाँ जो आवर लगा देंगे, यू रहेगा तो यहाँ योर लगा देंगे। तो ठीक इसी तरह से यहाँ दिया है कि आई हैव लर्न्ड माई लेसन, आई माने मैं, हैव माने चुका हूँ, लर्न्ड मतलब होता है सीखना, माई लेसन याद सीखना या पढ़ना या बात करके, लर्न माने याद करना भी होता है, सीखना भी होता है। तो कह रहा है कि मैं अपना पाठ जो है याद कर चुका हूँ। तो ये कह रहा है कि आई हैव लर्न्ड माई लेसन, यदि हम लर्न को यहाँ से लर्न को निकाल देते हैं, इस शब्द को निकाल देते हैं, इस वर्ड को निकाल देते हैं, तो हमारा क्या हो गया जो है वर्ब जो है गलत हो जाएगा। इसलिए जहाँ ये बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कार्य क्या हो रहा है, वो पढ़ने का कार्य ये बता रहा है, सीखने का कार्य बता रहा है, याद करने का कार्य ये बता रहा है, तो हम यही हमारा क्या होगा वर्ब हो जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड वाले में, राधा इज प्लेइंग ए मैच, अब राधा इसमें देखेंगे कि राधा एक मैच खेल रही है, तो इसका मेन वर्ब क्या हो गया, ये आपका मेन वर्ब जो होता है ये प्लेइंग हो गया। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे कि जो है यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग है। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से अब चलेंगे आगे कि काइंड ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार के होते, तो वर्ब जो है होते तो चार हैं इस तरह से हम देखेंगे, लेकिन उसके पार्ट, उसके भाग होते हैं, और मुख्य तरह से जो होते हैं एक प्रिंसिपल वर्ब होता है और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब भी कह सकते हैं और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं।
तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन हम यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि समझ में आएगा। कह रहा है कि दिस वर्ड्स में भी ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव लिंकिंग आर द हेल्पिंग वर्ब। कर आगे कि यहाँ पे बताया गया है कि वर्ब जो होते हैं ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव, बता रहे इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव, क्योंकि ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव में अगर आपको डिफरेंस नहीं मालूम होगा तो आगे चल के हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को हम सही तरीके से नहीं बना सकते हैं। उसके बाद लिंकिंग वर्ब आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो ई जे मार होता है, वाच मेर होता है, इस तरह से हम समझ जाते हैं कि यह हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट्स अब पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट जो है ट्रांजेटिव वर्ब। तो ट्रांजेटिव वर्ब किसे कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सकर्मक होता है, यानी ये सकारात्मक होता है, इसको हम हिंदी में सकर्मक बोलते हैं। और इसको देखेंगे, इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे, तो द मीन्स वर्क दैट द नीड ऑब्जेक्ट टू द एक्सप्रेस दैट द मीनिंग आर द कॉल द ट्रांजेटिव वर्ब। कह रहा है कि मेन वर्ब, तो मेन वर्ब किसे बोलते हैं, खाना पीना हंसना गाना इस तरह से बोल सकते हैं, या प्लेइंग रीडिंग लाफिंग रनिंग टॉकिंग टॉकिंग इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो वही हमारा मेन वर्ब हो रहा है। कह रहा है कि द मेन वर्ब दैट नीड ऑब्जेक्ट, कर आगे कि जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट माने जो है कर्म होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्म होता है, और अगर वही रहता है उसकी आवश्यकता होती है तभी हम ट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं। और फिर कह रहा है कि टू एक्सप्रेस देयर द मीनिंग आर द कॉल्ड, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो मीनिंग होती है उसका रहना क्या है, अनिवार्य होता है, इसीलिए हम ट्रांजेटिव वर्ब को जो है सकर्मक कहते हैं, यानी ट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल को देखेंगे, तो कह रहा आगे कि द बार्बर कट्स द हेयर, कह रहा है कि नाउ जो है क्या किया है, कट माने काट दिया है, कट्स कर दिया है, काट दिया है द हेयर, यानी नाउ जो है बाल को काटता है, तो यानी बाल को काटता है, तो नाउ ये बार्बर जो हो गया, जो नाउ हो गया ये बार्बर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया जिसको हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। उसके बाद ये आपका कट्स हो गया, ये ट्रांजेटिव वर्ब हो गया जिसको हम सकर्मक कहते हैं, और यह जो हेयर हो गया द हेयर, यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से देखेंगे कि द मैन किल द स्नेक, द मैन किल द स्नेक, कह रहा है कि आदमी ने सांप को मार दिया था, यहाँ बता रहा है कि आदमी ने सांप को मार दिया था। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप ये आदमी जो है हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, और किल्ड क्या हो गया, ट्रांजेटिव वर्ब हो गया, और द स्नेक क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जिसको हम कर्म कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे इंट्रांजेटिव वर्ब। तो इंट्रांजेटिव को हम अकर्मक कहते हैं और ट्रांजेटिव वर्ब को हम सकर्मक कहते हैं। तो अब देखेंगे कि ट्रांजेटिव वर्ब किसे कहते हैं, इंट्रांजेटिव वर्ब किसे कहते हैं, कि द मेन वर्ब दैट द नीड, कह रहा है कि नीड नॉट कर देंगे, यहाँ पे जो है नीड नॉट कर देंगे, कह रहा है कि यहाँ पे बता रहा है कि द मेन वर्ब दैट नीड नॉट ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस देयर द मीनिंग आर द कॉल्ड इंट्रांजेटिव वर्ब। तो कहने का मतलब है जिस वाक्य में यानी मेन वर्ब के बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसकी आवश्यकता नहीं होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि ही लाफ, यानी वह हंसता है, वह जो है हंसता है, तो अब कह रहा है कि वह हंसता है लेकिन कहाँ हंसता है यहाँ कोई मालूम नहीं, कोई पता नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम कह देंगे कि ही लाफ कहाँ हंसता है, तो ऑन द रोड, ऑन द रोड, तो ये हमारा ट्रांजेटिव वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, कोई कर्म दिन जो कर्म नहीं दिया है, तो इसलिए यहाँ पे जो है यह जो है इंट्रांजेटिव वर्ब हो गया। और राधा प्लेज, लेकिन राधा कहाँ खेलती है ये हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि राधा प्लेज तो कहाँ खेलती है, जैसे कह देंगे ऑन द रोड हो गया, आर ओ एडी ऑन द रोड कर देंगे, तो यहाँ पे हम ट्रांजेटिव वर्ब हो गया। अगर इसको नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रांजेटिव वर्ब हो गया।
उसी तरह से जो है द डॉग्स बार्क, कुत्ते भोंकते हैं, लेकिन भोंकते हैं कहाँ भोंकते हैं, ऑन द रोड, यानी रोड माने ऑन द रोड यानी सड़क पर वे कुत्ते क्या करते हैं, भोंकते हैं। तो यहाँ पे हम ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, अगर इसको हम इसका प्रयोग अगर नहीं करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो आप लोग को भली बात ही समझ में आ गया होगा कि जिसमें वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, कोई कर्म नहीं रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि यह जो क्या है, यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। स्टूडेंट्स सब देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में दिया है, थोड़ा सा हम डिफिनेशन इसका बताना चाहेंगे। एक जो है जो कॉलम बनाकर जो है ये समझाए हैं, जो सब्जेक्ट है ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, नाउन नाउन और फर्स और एडजेक्टिव है, यानी इस तरह से जो दिया गया है। तो ये एक तरह के कॉलम बना के इस तरह समझा रहे हैं कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर दिया है कि ट्रांजिटिव है, जितना भी तालिका ये बनाए हैं, जितना भी सूची बनाए हैं, जो कॉलम बनाए हैं, ये सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का है, ये ट्रांजिटिव वर्ब का है। और इन ट्रांजिटिव के बारे में हम अभी समझाएंगे, पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब के इस कॉलम में समझ लेते हैं। तो इसमें दिया है कि सब्जेक्ट और तुरंत दिया है ट्रांजिटिव वर्ब दिया है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट दिया है, नाउन हो या फर्स हो या एडजेक्टिव हो। तो अब यहाँ बता रहा आगे कि सब्जेक्ट में आई कॉल्ड माई डॉग जैक दिया है, कि आई मैंने मैं कॉल्ड मैंने बुलाया या पुकारा, माई मैंने मेरा, डॉग मैंने कुत्ता, मैं अपने कुत्ते को क्या हुआ किया, जैक को क्या किया, पुकारा यानी बुलाया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आई आपका सब्जेक्ट हो गया, कॉल क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और इसके बाद जो है ये आपका माई डॉग जो हुआ जो है ऑब्जेक्ट हो गया, और जैक जो है ये आपका एडजेक्ट कम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि ये दोनों की तुलना, ये कुत्ता का तुलना और ये इसका नेम का तुलना दोनों कर रहा है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत हमारा क्या हो जाता है, कम्प्लीमेंट हो जाता है। फिर याद ये मिस्टर वर्मा नेम्ड, कह कि मिस्टर वर्मा नेम्ड माने हिज सन आलोक, मिस्टर शर्मा का जो अपने उनके पुत्र का नाम जो है आलोक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ सन भी दिखा रहा है, यहाँ आलोक भी दिखा रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी दिखा रहा है, यहाँ पे जो है उनका कम्प्लीमेंट भी दिखा रहा है कि सन की दोनों तुलना क्या है, कम्प्लीमेंट कर रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे कि यू लेफ्ट द वर्क इनकम्प्लीट, यानी तुमने अपना कार्य जो है, कार्य को जो है लेफ्ट कर यानी छोड़ दिए, किस तरह से इनकम्प्लीट यानी अधूरा छोड़ दिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो तुलना दोनों किया रहा है, कर रहा है, एक तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर इनकम्प्लीट जो है ये आपका जो है फर्स्ट एडजेक्टिव यानी कुछ ना कुछ विशेषता ही बता रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से देखेंगे, अगर यही चीज़ को जो है हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ पे मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद जो है इसको मिटाने के बाद यहाँ पे ट्रांजिटिव की जगह पे जो है हम इन ट्रांजिटिव कर देते हैं यहाँ पे कॉलम में। तो ये हमारा क्या हो गया, आई कॉल्ड मिस्टर वर्मा नेम्ड, क्या नेम है, यू लेफ्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, इन ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो इस तरह से जो है हम ट्रांजिटिव सकर्मक और इन ट्रांजिटिव अकर्मक को हम आज पढ़े हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं लिंकिंग वर्ब पढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट देखेंगे अब थर्ड नंबर पे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब उसे कहते हैं कि जैसे कोई सेंटेंस हो, जैसे यहाँ पर दिया है कि रमेश इज ए टीचर, यानी कोई सेंटेंस के आगे जो है, कोई भी सेंटेंस के आगे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई भी चीज़ दिया रहता है, कोई भी वर्ड्स दिया रहता है जो इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ पे हम जो है उसको जो है हम क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो ये हमारा जो है कम्प्लीमेंट हो गया। तो उसी तरह से कह रहा आगे कि द टीचर है एंग्री है, ETC कोई भी चीज़ रहेगा, जब कोई ना कोई चीज़ किसी चीज़ से यानी वर्ब के बाद यानी सहायक क्रिया के बाद तुरंत उसमें खूबी दिखाएगा, जैसे रमेश इज ए टीचर, रमेश इज ए डॉक्टर, रमेश इज ए हाउकर, रमेश इज ए पेशेंट। तो यहाँ पे क्या दिया है, कम्प्लीमेंट दे दिया है, यहाँ पे इसको हम कम्प्लीमेंट बोलेंगे। उसी तरह से दिया है कि माई मदर इज ए एंग्री, एंग्री मीन्स होता है क्रोधित होना,
एंग्री मीन्स क्रोधित होता है कि मेरी माँ जो है बहुत, मेरी माँ क्या है यहाँ पे क्रोधित है। तो यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट किसको जा रहा है, मदर को जा रहा है, क्योंकि मदर से ये दोनों की तुलना हो रही है कि गुस्सा कौन कर रहा है, माँ कर रही है। और जब माँ गुस्सा करेगी तो उसके बाद एंग्री जो है जरूर ही आएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि द डॉक्टर इज इन, कह रहा है कि डॉक्टर कहाँ है, अंदर है। तो अंदर संकेत दे रहा है यहाँ पे, किसके लिए संकेत दे रहा है, डॉक्टर के लिए दे रहा है। तो ये हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट हो गया। अभी इसके बाद देखेंगे यहाँ पे इजी वाज ग्रो वेट रिमाइंडेड रिमाइंडेड, ये लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। यानी जो भी सहायक क्रिया आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वह हेल्पिंग वर्ब के ही वजह से जो है हमारा वाक्य का अर्थ जो है स्पष्ट हो जाता है कि वह वाक्य प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, कि किस तरह से हमारा सेंटेंस किस तरह से है। तो इस तरह से हमें मालूम हो जाता है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट है और कौन सा जो है लिंकिंग वर्ब है। तो ये जो इज एम आर आ रहा है, इज वाज ग्रो है, वेंट है, इसके बाद रिमाइंडेड है, तो ये सारे चीज़ क्या कहलाएँगे, लिंकिंग वर्ब कहलाएँगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह लिंकिंग वर्ब हो गया, ये सारे चीज़ जो है लिंकिंग वर्ब हो गए, इज वाज ग्रो वेंट रिमाइंडेड, ये लिंकिंग वर्ब हो गए। और टीचर एंग्री, इस तरह से कुछ भी आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वह कॉम्प्लीमेंट है। स्टूडेंट्स से पढ़ेंगे हम लोग ऑग्ज़िलरी वर्ब। ऑग्ज़िलरी वर्ब जो होता है इसको ऑग्ज़िलरी भी कहते हैं, साथ में जो इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये होता है कि जो हिंदी में हम इसको सहायक क्रिया कहते हैं, कह रहे कोई भी सेंटेंस जो होता है बगैर सहायक क्रिया के, हम कोई भी वाक्य को सेंटेंस को हम शुद्धिकरण नहीं कर स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ डिफिनेशन देखेंगे ऑग्ज़िलरी वर्ब का। कह रहा आगे कि द वर्ड्स दैट हेल्प टू कम्प्लीट द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब आर द कॉल्ड द ऑग्ज़िलरी वर्ब। कह रहा आगे कि द वर्ड्स, यानी जो शब्द, कह रहा कि जो शब्द हेल्प माने सहायता करता है टू कम्प्लीट कम्प्लीट द मीनिंग, यानी जो वर्ड्स जो है मीनिंग को, यानी सेंटेंस के जो मीनिंग को जो है कम्प्लीट करता है, पूरक करता है, पूर्ण करता है, वही मेन वर्ब कहलाता है। इसे मेन माने मुख्य क्रिया कहलाता है, उसी को हम ऑग्ज़िलरी वर्ब कहते हैं या तो हम सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया के बगैर जो है हम कोई भी सेंटेंस जो हम नहीं बना पाएंगे, उससे ही हमें मालूम आता है कि सेंटेंस वाक्य क्या कह रहा है। इस तरह से चलेंगे तो ऑग्ज़िलरी वर्ब जो है वह तीन प्रकार के होते हैं, काइंड ऑफ थ्री होता है, टाइप ऑफ थ्री। पहला होता है प्राइमरी होता है ऑग्ज़िलरी वर्ब। तो इसमें प्राइमरी में जो प्रारंभिक जो शुरुआत में जो होता है उसमें जो है इसमें दिया है कि इसमें प्रेजेंट दिया है, इधर पास्ट दे दिया है, इधर कंटिन्यूअस दे दिया है, फिर इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस दे दिया है, और इसके बाद जो है ये हैड है और हैड दे दिया है। यानी कहने का मतलब है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया और उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट हो गया, उसके बाद यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद जो है हेड जो है पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो ये प्राइमरी ऑग्ज़िलरी वर्ब में आते हैं। जैसे कोई भी कह रमेश नदी में स्नान कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी प्रारंभिक हो रही है, यानी जो जो सेंटेंस में ये इसका प्रयोग होता है वह कार्य जो है बराबर कंटिन्यू चलता रहता है, इसमें कुछ न कुछ दिखाया जाता है, तो उसी को हम जो है इन सहायक क्रिया इस वर्ब इस हेल्पिंग वर्ब को जो है हम प्राइमरी ऑग्ज़िलरी वर्ब कहते हैं। इसके बाद दूसरा देखेंगे कि मॉडल ऑग्ज़िलरी वर्ब में क्या होता है। जैसे इसमें कोई चीज़ मॉडल होता है जिसे दबाव दिया जाता है, सकना जिसे रमेश नदी में स्नान कर सकता है, सीता एक किताब पढ़ सकती है, यानी यहाँ पे सकना की बात होती है और यहाँ पे दबाव दिया जाता है। कोई भी सेंटेंस को जो है जहाँ पे दबाव दिया जाता है तो वहाँ पे जो है हम समझ सकते हैं कि इसको मॉडल ऑग्ज़िलरी वर्ब कहते हैं। तो इसमें कैन कुड है, मे का माइट हो गया है, मस्ट हो गया, सेल का शुड हो गया है, और विल का वुड हो गया, फिर आर्ट हो गया, यू टू द नीड डियर। जैसे कहने का मतलब कि रमेश को घर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो जब हम नीड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर दबाव दे रहा है कि लड़के तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो रहा है, चाहे तुमको बाज़ार जाना चाहिए, तुमको बाज़ार जाना चाहिए। तो हम शुड का और वुड का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे बता रहा है कि कोई ना कोई दबाव दे रहा है कि नहीं तुमको बाज़ार जाना चाहिए, चाहे तुम्हें यह कार्य को करना चाहिए, या तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या तुम्हें खेलने की आवश्यकता नहीं है, कोई ना कोई उसको दबाव दे रहा है कि तुम यह कार्य को मत करो। फिर उसके बाद जरा आगे
कैजुअलर ऑग्ज़ीलियरी वर्ब जो होता है इसको जो है कहीं ना कहीं कारण बताता है। ये जहाँ कारण बताएगा वहाँ पर हम समझ जाएंगे, रीजन बताएगा वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि ये ऑग्ज़ीलियरी वर्ब होता है। जैसे गेट हैव हुआ, मेक विथ द अदर मेन वर्ब, कवरी ए सेंस ऑफ द कंटेंट बाय द सब्जेक्ट आर कॉल्ड द कैजुअल ऑग्ज़ीलियरी वर्ब। तो कहने का मतलब है जहाँ भी कोई ना कोई कारण भी आता है कि यहाँ पे गेट हैव का प्रयोग किया है, मेक का प्रयोग किया है, विल द अदर का चीज़ का प्रयोग किया, तो आप ये इस बात को समझ जाएंगे कि नहीं ये आपके जो है कैजुअल ऑग्ज़ीलियरी वर्ब है। तो इस तरह से जो है ऑग्ज़ीलियरी के तीन पार्ट हुए, जो फर्स्ट प्राइमरी हुआ, दूसरा मॉडल हुआ और तीसरा कैजुअल हो गया। तो इस तरह से आज हमारा ऑग्ज़ीलियरी वर्ब जो है कम्प्लीट हुआ। अगर किसी तरह की कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विद्यालय परिवार आपको हर चीज़ की सुविधा देने की व्यवस्था करेगी। थैंक यू, धन्यवाद।